हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस फ्रेंड्स। टॉप 20 सामान्य ज्ञान के भारत का भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के लिए और रेलवे ग्रुप डी आरआरबी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यह वीडियो यूपी पुलिस के लिए है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मिनिकाय लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल गुजरते है? 9 डिग्री चैनल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकाय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल गुजरता है? तो मालदीव और मिनिकाय के बीच में गुजरता है 8 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइए, मिनिकाय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है और मिनिकाय मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करना और बेल आइकन को जरूर दबाना वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। जी हाँ फ्रेंड्स, नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन सा चैनल अलग करता है? तो पवन चैनल। जी हाँ, पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के जो 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, एक राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है राजस्थान की लगती है पाकिस्तान के साथ में, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम द्वीप बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, जिसका नाम सरक्रिक है। जी हाँ, तो ये पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम सरक्रिक है और ये गुजरात में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है विश्व का, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशांतर रेखा को भारत मानक यमोत्तर या मानक देशांतर माना जाता है? तो 82.5 देशांतर रेखा या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक देशांतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर रेखा जिससे भारत का मानक समय तय होता है या लिया गया है, कहाँ से गुजरता है? तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम कि चौड़ाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2933। जी हाँ, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण होगी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, यह बनियाल धर्रा यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सेरिल रेडक्लिफ ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात की जाए
भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो फ्रेंड्स ये देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।